Hello students, today we are going to learn application of B statistics, that is Bose-Einstein statistics to black body radiation. So according to the BE distribution law जो हमने पहले derive कर लिया है, the number of bosons having energies between E and E plus DE is गिवन बाय. अभी नंबर ऑफ बोजोन्स, बी स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं उसको बोजोन्स बोलते हैं, और हमें अभी नंबर ऑफ बोजोन्स में इंटरेस्ट है जो ई एंड ई प्लस डी के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है. ई एंड ई प्लस ई आर द एनर्जीज. तो इसमें जो नंबर ऑफ बोजोन्स है इट इज गिवन बाय एन ऑफ ई, एन इज फंक्शन ऑफ ई, डी ई इज इक्वल टू जी ऑफ ई डी ई upon e to the power alpha e to the power beta beta e minus 1, which is equal to g of e de e to the power alpha e to the power e upon kt, beta is equal to 1 upon kt minus 1, since beta is equal to 1 upon kt, where g of e te is the number of quantum states of energies between E and E plus D. GED क्या है? Number of quantum states of energies between E and E plus D. अभी हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, एक चैम्बर, ब्लैक बॉडी चैम्बर को कंसिडर करेंगे, जिसका टेम्परेचर T रहेगा, वॉल्यूम V रहेगा, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे? रेडिएशन को फिल करेंगे. अब रेडिएशन को फिल मीन्स, रेडिएशन मीन्स फोटोन्स, और फोटोन्स इज द, फोटोन्स कौन से सिस्टम को फॉलो करता है? बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करने वाला पार्टिकल मीन्स फोटोन्स आता है, एंड वो क्या होता है? रेडिएशन कंटिन्यूअसली दे आर मूविंग, एंड वट विल हैपन? अल्टीमेटली दे विल हिट द, कोलाइड विथ द वॉल्स. अब फोटोन्स के पास एनर्जीज है, तो हायर एनर्जीज जब वॉल से जाके टकराएगा तो हो सकता है वो वॉल उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद लो एनर्जी फोटोन्स को एमिट करेगा, या हायर एनर्जी फोटोन्स लोअर एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी फोटोन्स को लिबरेट करेगा. यानी इन दिस केस जो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होगा वो सेम नहीं रहेगा, जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही रिलीज नहीं करेगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट रिमेन द सेम. सो वी विल राइट एवरीथिंग. लेट टी बी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक body chamber of volume V. The chamber is supposed to be filled with photons, each having energy h nu. ठीक है, photons की जो energy है वो h nu है. They move in all possible directions with
स्पीड ऑफ फोटोन्स है यानी लाइट है यानी स्पीड ऑफ लाइट सी। दोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज है इट इज इक्वल टू एच क्रॉस, या हो सकता है जीरो हो सकता है, एच क्रॉस हो सकता है, टू एच क्रॉस हो सकता है, थ्री एच क्रॉस हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट पीपीटी में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ जो फोटोन्स है, फोटोन्स का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एच क्रॉस है, हेंस फोटोन्स क्या है, बोजोन्स है, यानी इट फॉलोज द बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ईच फोटोन हैज यूनिट स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एच क्रॉस, एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड एच क्रॉस का मतलब होता है एच बाई टू पाई, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एच क्रॉस। Hence, photons are, अभी photons क्या है, photons are bosons and so we use the BE distribution law to derive Planck's law of radiation। तो फर्स्ट हम कॉन्स्टेंट अल्फा फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फोटोन्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज आर absorbed and re-emitted by the walls of the chamber at constant टेम्परेचर। अब मैंने क्या बोला है, चैम्बर के अंदर फोटोन्स है, रेडिएशन है, रेडिएशन इज नथिंग बट फोटोन्स, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, हर पूरे डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वॉल से जाके वो कोलाइड हो रहा है। जब वॉल से जब कोलाइड होगा तो वॉल क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द फोटोन्स एंड उसी को री एमिट करेगा, बट टेम्परेचर कैसा है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब ये जब प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस में हो सकता है कि हाइयर एनर्जी फोटोन्स है उसे कन्वर्ट हो जाएगा लोअर एनर्जी फोटोन्स, या हो सकता है लोअर एनर्जी फोटोन्स कन्वर्ट हो जाएगा हाइयर एनर्जी फोटोन। सो वी विल राइट इन दिस प्रोसेस ए हाइयर एनर्जी फोटोन इज converted into a number of low energy फोटोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, हो सकता है वन फोटोन हिट हो रहा है तो उसको वन फोटोन्स को जब वो एब्जॉर्ब करेगा, हो सकता है टू थ्री फोर को एन नंबर ऑफ, यानी वन एब्जॉर्ब हो रहा है तो फाइव या सिक्स फोटोन्स और लो एनर्जी का एमिट कर रहा है, या फाइव सेवन या एट लो को एब्जॉर्ब करने के बाद वो वन हायर एनर्जी वाला फोटोन एमिट कर रहा है। मीन्स इन दिस प्रोसेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो लो एनर्जी फोटोन्स एंड वाइस वर्सा, दस दो द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन्स रिमेन्स constant, the total number of photons
present in the enclosure is not constant. Very important. Number of photons present in the enclosure is not constant. Therefore, the कंडीशन जो हमारा कंडीशन था, समेशन पूरे पार्टिकल्स को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इसी को हमने और लिखा था, समेशन डी एन आर इज इक्वल टू जीरो. यानी ये कांस्टेंट है, अगर फाइव है, फाइव का अगर हमने डिफ्रेंसिएशन देखा तो जीरो रहेगा, कांस्टेंट का जीरो रहता है. इज नॉट एप्लीकेबल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है. इज नॉट, very important, this is not applicable. For the distribution, for the applicable for the distribution, and hence the multiplier alpha जो था क्या रहेगा, is जीरो. जीरो क्यों है, क्योंकि हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मल्टीप्लायर अल्फा कैसा हो गया, जीरो हो गया. दैट इज ई टू द पावर माइनस अल्फा, यानी ई टू द पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू वन हो गया. अगेन इंपॉर्टेंट, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ई टू द पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, हमारा फर्स्ट पार्ट था. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर सेकेंड पार्ट.